हाउ टू लेवल अप फास्टर इन फ्री फायर। तो गाइज यार मैं आ चुका हूँ दो ऐसे टिप्स लेकर के, जिस टिप्स को फॉलो करने के बाद आप लोग का लेवल काफ़ी तेजी से इंक्रीज होने वाला है। तो भाई यार बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो लो लेवल की वजह से परेशान हो रखे हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिलता है। जितने भी हाई लेवल के बंदे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल होता है जिनका, वो अपने से लो लेवल के बंदों को एक ही बात बोलते हैं, भाई तू तो अभी 15 लेवल पर है, तू नूबड़ा है, तू जा किसी और के साथ खेल, मेरे साथ मत खेल। तो भाई यार ऐसी चीज़ें भी बहुत सारा फेस करना पड़ जाता है लो लेवल के बंदे को। तो भाई यार परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आज आप लोग को जो दो टिप्स बताने वाला हूँ, बस वो दो टिप्स को आप लोग फॉलो करो, आप लोग का बहुत ही तेजी से लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज यार वीडियो को पूरा देखना, और अगर कोई भी बंदा चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज यार अब हम लोग बात कर लेते हैं टिप नंबर टू के बारे में। टिप नंबर टू को फॉलो करने के लिए आप लोग को आ जाना है लॉबी स्किन पर। लॉबी स्किन पर आने के बाद आप लोग को अपने प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जैसे ही आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोग को लेवल दिखेगा, तो लेवल पे टच करोगे तो आप लोग को वहां पे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना एक्सपीरियंस पॉइंट्स चेक कर लो। यहां तो मेरे भाई 5000 अभी पॉइंट्स चाहिए, तब जाकर के मेरा लेवल 47 होगा। तो भाई यार एक्सपीरियंस पॉइंट्स है क्या और मिलता कहां से? तो भाई यार एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही आपको लेवल अप करने के सबसे बड़ा काम में आता है। एक्सपीरियंस पॉइंट जितना ज्यादा आपका बढ़ेगा उतना जल्दी आप लोग का लेवल अप होने वाला है। तो भाई यार एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते कैसे हैं? तो भाई नॉर्मली सबको पता है मैचेस वगैरह खेलते हो तो आप लोग को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं, उसी पॉइंट से हम लोग का लेवल अप होता है। तो गाइज यार सबसे पहले आप लोग को वॉल्ट ऑप्शन में चले जाना है। वॉल्ट ऑप्शन में जाने के बाद अदर्स में जाना है। अदर्स में जाने के बाद सबसे नीचे पे आप लोग टच करोगे तो यहाँ पे आप लोग को दो कार्ड दिखेगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इस कार्ड को आप लोग को हमेशा यूज करके गेम को खेलना है। अगर आप लोग पास कार्ड नहीं है तो भाई आप किसी गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो, गिल्ड में से आप लोग को कार्ड मिलता रहेगा हर वीक में। तो जैसे ही आप लोग को 50% वाला एक्सपीरियंस कार्ड मिले चाहे 100% वाला एक्सपीरियंस कार्ड मिले, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर 100% वाला एक्सपीरियंस कार्ड यूज करते हो तो जैसे ही आप लोग को थोड़े बहुत पॉइंट्स मिलते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को 350 के आसपास पॉइंट्स मिले, मतलब 381 मिले। अगर मैं एक्सपीरियंस कार्ड यूज किया होता तो यही पॉइंट्स मेरे जस्ट डबल हो जाते हैं, मतलब 750 के ऊपर चला जाता। तो गाइज यार जितना हो सके एक्सपीरियंस कार्ड को यूज करके मैचेस को खेलो। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइज यार टिप नंबर वन के बारे में। तो गाइज यार टिप नंबर वन बहुत ही ज्यादा ईजी है जिसको बंदे नहीं ध्यान देते हैं। तो टिप नंबर वन फॉलो करने के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को सारे मैचेस को, जितने भी मैप है सारे मैप को छोड़ देना है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नहीं, मतलब हफ्ते में जितना हो सके कम खेलो, और आप सबसे ज़्यादा जितना हो सके आप लोग बीआर रैंक खेलो। बीआर रैंक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यार इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपके इंक्रीज होते हैं। लेकिन यार बीआर रैंक खेलने से आपके पॉइंट्स इंक्रीज ऐसे नॉर्मली नहीं होने वाले। आप लोग को एक चीज़ को और ध्यान देना है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकालने की कोशिश करो। और अगर आप लोग नूब हो या फिर किल्स नहीं निकाल पाते हो, ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते हो, तो कोशिश यही करो कि लास्ट तक टिकने की कोशिश करो, रैंक 5 में आने की कोशिश करो। टॉप 5 में अगर आप आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देखने को मिलेगा। ये टिप्स आप लोग फॉलो कर सकते हो क्योंकि यार बहुत सारे बंदों के पास एक्सपीरियंस कार्ड हमेशा नहीं होता है, लेकिन यार उनको भाई पता नहीं होता है लेवल अप कैसे करना है। तो भाई बीआर ज़्यादा से ज़्यादा खेलो, और क्लैश स्क्वाड रैंक या फिर बरमूडा जो खेलते हैं बंदे वो सब कम कर दो, वो भी खेलो, लेकिन उसमें बहुत ही कम, ना के बराबर पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बीआर रैंक में ही देखने को मिलेगा। तो गाइज यार इस टिप्स को फॉलो करो और जल्दी से जल्दी अपने लेवल को अप करो। तो भाई यार कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज यार चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।